लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी की जाति का मुद्दा उठाए जाने के बाद देश की सियासत गर्मा गई है, जिसकी आंच मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए उनको जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती है ताकि जिस जाति के जितने हिस्सेदारी है उसको उतना अधिकार मिले, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जीतू ने कहा कि बीजेपी के लोग कुछ भी कहें, लेकिन राहुल गांधी समाज की आवाज लगातार उठाते रहेंगे। इसमें ना तो पार्टी का कोई लाभ है और ना ही उनका कोई व्यक्तिगत लाभ है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ये नफरत और घृणा की नींव पे बनी हुई है। वो वर्ग जो जातिगत जनगणना की बात करता है ST SC OBC का, वो देश के संसाधनों पर अपना हिस्सा मांगता है, हक मांगता है। जो गरीब अति गरीब है अगर वो जातिगत जनगणना के अनुसार हिस्सेदारी मांगता है तो ये बीजेपी के लोगों को बुरा लगता है। राहुल गांधी जी वो बात उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा जातिगत जनगणना करवाना है, तो उनका व्यक्तिगत तो कोई लाभ है नहीं, पार्टी का भी कोई लाभ नहीं, देश में संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।